काबूज भरना है पूरा। तो अपना 14,000 रोप है, 14,000 काड़ी है, प्लांट है, लकड़िया और ये होल पाड़ने के जुगाड़ ले ले हुए। तो मैं अभी जुगाड़ हुआ दिखाऊंगा आपको खेत में। ये होल पाड़ने काम शुरू ही था, मैं देख सकते हो ऐसे होल पाड़े जा रहे हैं। फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आज मैं अपने जो मल्चिंग बिछाई थी, मैंने कल दिखा था आपको मल्चिंग कैसे पूरे अपने खेत को मल्चिंग बिछाने का हो चुका है ट्रैक्टर से। तो आज मैं होल पाड़ने वाला हूँ मल्चिंग को, अभी होल पाड़े जाएंगे और होल पाड़ने अभी होल पाड़े जाएंगे। तो अभी तो होल पाड़ने को हम 10-11 बजे जाएंगे अपने होल पाड़ने के लिए मल्चिंग को। तो अभी फिलहाल हम अभी सुबह सुबह के टाइम में ये कापूस भरने का, अभी ये कापूस भरने का अपने को स्टोर करना है अपने रूम के अंदर, स्टोर कर जाएंगे गोल्डन के अंदर। तो अभी ये कापूस भरेंगे हम। तो पहले फिलहाल तो पहले अपन भोलेनाथ के दर्शन करके और काम पे लग जाएंगे कापूस भरने को। तो अभी ये कापूस भरना है पूरा और कापूस भर के और अपने जो मल्चिंग मल्चिंग जो बिछाई थी उसको अपने होल पाड़ने, इसको होल पाड़ने और कल अपने को वाटरमेलन की बुआई करनी है। तो आज हम ये पहले होल पाड़ने से पहले अभी कापूस का काम निपटा देंगे, फिनिश काम कंप्लीट कर देंगे कापूस भरने का और अपना होल पाड़ने को चले जाएंगे अभी होल। तो अभी ये ढेर सारा कापूस है, लगभग मैंने पिछले वीडियो में दिखा था आपको, लगभग वीडियो में टाइम में मुझे पिछले वीडियो में दिखा था आपको कि कापूस सुखाया था वो भरा अलग से और ये अलग से, लगभग 10 क्विंटल कापूस है ये सुखाया था और पीछे सुखाया था अभी 10 क्विंटल था। तो अब ये कापूस को ऐसे टब में भर के और अंदर ले जाएंगे ऐसे, ऐसे टब में भरने, टब से टब में भरने के बाद ऐसे अंदर ले जाया जा रहा है। ये देख सकते हैं ऐसे अंदर ले जा रहे कापूस को, क्योंकि ये कापूस जरा पीछे बारिश गिरी थी ना उसमें थोड़ा भीगा हुआ था, मुझे गिल्ला था थोड़ा, तो उसको अच्छे से सुखाया हमने। सुखाने के बाद ऐसे टब में भर भर के फट्टे पे से ऐसे सुखाने के बाद टब में भर के और अंदर ले जाया जा रहा है। ये देख सकते हो ये ऐसे ये गोल्डन के अंदर स्टोर कर रहे, देख सकते हो ये ऐसे स्टोर कर रहा है ढेर सारा कापूस है। लगे यहाँ भी कापूस है देख सकते हो ये, और वो चाली के अंदर भी कापूस है। तो अभी लगभग ये गोल्डन के अंदर स्टोर हो चुका है, 60-70 क्विंटल स्टोर हो चुका है, 70 क्विंटल स्टोर हो गया, मतलब लगभग पूरा 80 क्विंटल तक स्टोर हो जाएंगे ये गोल्डन के अंदर। और हमारा काम इधर भरने का काम शुरू है। तो अपना जो कापूस भरने का काम चालू था वो स्टोर अभी कापूस भरने का हो चुका है, अभी स्टोर रूम में स्टोर कर दिया हमने मुझे कापूस का गोल्डन के अंदर स्टोर कर दिया है। तो अभी फिर कल हमारा जो रोप आया था उसको अभी पानी की जरूरत है, जिसको पानी पिचकारी से पानी मारने का काम, सिंचाई चालू मुझे पानी देने का काम शुरू है। तो अपना 14,000 रोप है, 14,000 काड़ी है, प्लांट है, देख सकते हो बहुबली वैरायटी है, सोमनम सीड्स की बहुबली वैरायटी है। तो हमको अभी तक ये 2 रुपये 70 पैसे से मिले हुआ है एक झाड़, 2 रुपये 70 पैसे, ये 2 रुपये 70 पैसे से झाड़ मिला हुआ है मुझे वो नर्सरी के अंदर। तो अभी उसका भाड़ा 800 रुपये लिया उनने, 15-20 किलोमीटर का, 15 किलोमीटर का 800 रुपये भाड़ा लिया हुआ है और 2 रुपये 70 पैसे की वो नर्सरी में अंदर पे अपने को रोप मिले हुआ है। तो रोप कैसा है कमेंट में ज़रूर बताना। बहुबली वैरायटी है, सोमनम सीड्स की बहुबली वैरायटी, 14,000 प्लांट से पूरे। ये देख सकते हो पिचकारी से ऐसे पानी मारने का काम शुरू है, ये देख सकते हो ऐसे पानी दिया जा रहा है पिचकारी पंप से, बकेट से पिचकारी में पानी डाल के और ऐसे पानी मारे जा रहा है, एकदम डाट पानी मारा, क्योंकि उसके जो अंदर थे जो अंकुर जी अपना कोकोनट कोकोपीट होता है उसको गिल्ला होना चाहिए अच्छे से। उसकी मूली की ग्रोथ भी देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त हुई है, देख सकते हो प्लांट अभी ये स्टेज में प्लांट होना, क्योंकि अपने बुआई के स्टेज में अभी ये प्लांटेशन के लिए तैयार हो चुका है, बुआई के लिए तैयार हो चुका है ये प्लांट। ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए क्योंकि बड़ा हो तो पिकअप नहीं लेता जल्दी, मुझे उसकी ग्रोथ नहीं होती है, और ज़्यादा छोटा भी रहा तो उसकी ग्रोथ नहीं होती, मीडियम साइज़ का रोप होना चाहिए। तो आपको रोप कैसा लगा, हमारा रोप कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। पूरा 14,000 प्लांट है, तो आज तो नहीं बुआई नहीं करेंगे, कल बुआई करेंगे इसकी। दोस्तों मैं अभी घर से खाना गिना खा के और अपने जो वाटरमेलन जब बुआई करने वाले खेत में मल्चिंग दिखाई, मल्चिंग बिछाई थी अपने, वो खेत में जा रहा हूँ। जो अपने खेत में मल्चिंग बिछाई थी अभी मल्चिंग को होल पाड़ने को जा रहा हूँ यहाँ से। तो अभी मैंने बकेट में लकड़िया और ये होल पाड़ने के जुगाड़ ले ले हुए, तो मैं अभी जुगाड़ हुआ दिखाऊंगा आपको खेत में। तो अभी घर से निकल चुका हूँ, वो खेत में जा रहा हूँ अभी यहाँ से। तो दोस्तों अभी होल पाड़ने का काम शुरू हो चुका है, लगभग 10-15 बेड अभी हो चुके हैं अपने बेड पाड़ने के, होल पाड़ने के। और ऊपर का जो प्लॉट था ना उसको हमने कल मेरे बड़े भाई ने उसको होल पाड़े हुए थे मल्चिंग को, अभी हम जुगाड़ से, ये देख सकते हो अभी जुगाड़ है ऐसा, इसको देख सकते हो जुगाड़ बनाया हमने। तो ये देख सकते हो ये अपना ये 2.5 इंची पाइप लेवा है लगभग 1 फीट का, उसको गज देवा है, देख सकते हो 10 mm का गज है। और अपने को माप लेने को जब टमाटर के प्लांटेशन करते तो 1-1 फुट के लिए माप लेने के गज जोड़े हुआ है, देख सकते हो ये देख सकते हैं 1-1 फुट पे जोड़े हुए, 1 फुट का अंतर लेने के लिए गज जोड़े हुए। और यहाँ से पकड़ने के लिए ऐसे पाइप देवा है, देख सकते हैं यहाँ पाइप भी अपना 1/2 इंच का पाइप देवा है, मुझे ऐसा 1/2 इंच है और लगभग 4 इंच का ऐसा पाइप है वो, तो पकड़ने के लिए। तो अभी ऐसे में हमने आग जला के, आग जलाई हुई देख सकते हैं इधर इसके अंदर, अभी जो लकड़ियाँ डाली हुई रहती, लकड़ियाँ रहती है तो इसी आग जलाई हुई देख सकते हो, ऐसे होल पाड़ने का काम शुरू इधर, देख सकते हो ऐसे होल पाड़े जा रहे हैं।
लग दोनों दो हल्का डिस्टेंस है डेढ़ डेढ़ फीट का, देख सकते हो ये हल्का और ये हल्का, इससे दोनों हल्का डिस्टेंस है डेढ़ फीट, ये डेढ़ डेढ़ फीट पे, इसी डेढ़ डेढ़ फीट पे प्लांट ये होल पाड़ने का काम शुरू है। तो अभी इसको कल प्लांटेशन का काम शुरू हो जाएगा, कल बुआई काम शुरू हो जाएगा ये खेत में पूरे। तो कल हम बुआई करने वाले हैं ये खेत में, तो आज होल पाड़ेंगे, होल पाड़ने का अभी लगभग एक घंटे में पूरे होल पाड़ने हो जाएंगे। लगी हुई है देख सकते हो, अभी आग से गर्म होता है, ये हीट होता है ना, ये हीट होता है तो उससे अपना गर्म पन्नी जलती है, देख सकते हो ऐसे होल पाड़ जाते हैं, डेढ़ डेढ़ फीट पे होल पाड़ रहे हैं। ये देख सकते हो ऐसे होल पाड़ने काम शुरू है, कितने फास्ट होल पाड़े जाते हैं देख सकते हो। इसमें लकड़ी डालने के बाद एकदम अच्छे से आग लगाने के बाद इसमें लकड़ी डालते रहना चाहिए और वो लकड़ी जलती रहती है और अपना काम चलता रहता है। तो देख सकते हो लेबरों का आगे पाड़ रहे होल और मैं भी इधर होल पाड़ने काम शुरू है देख सकते हो मेरा। तो अपना जो ये गज देवा हमने, ये गज तो अभी एक फिट का, तो इसका काम नहीं है अभी इसमें। तो ये टमाटर का जब प्लांटेशन करते हैं जब उसका काम आता है, क्योंकि यहाँ से इसका भी यहाँ से अपने होल पाड़ा तो यहाँ से लगभग वो आगे का एक गज का जो ये मुँह है वो मुँह के पास एक होल आएगा। तो अभी यहाँ होल आएगा तो अपन डेढ़ फीट पर होल ले रहे हैं ऐसे, क्योंकि अपन तरबूज का प्लांटेशन डेढ़ डेढ़ फीट पर प्लांटेशन करते हैं और टमाटर की जो प्लांट आते हैं वो एक एक फीट पर प्लांटेशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमने उसको गज देवा तो उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम भी हमको होल पाड़ पाड़ के मुझे होल ऐसे पाड़ते हैं, हम की हमारा एक्यूरेट सही जाती है, एक एक फीट की डेढ़ डेढ़ फीट की दो दो फीट के ऐसे होल पाड़ते हैं, तो हमको एक्यूरेट सही जाते मुझे अपने को ख्याल में आ जाता है कहाँ इसका होल आना है करके। तो ऐसे होल पाड़ने काम शुरू है, तो अभी एक घंटे में होल पूरे होल पाड़ने का काम हो जाएगा अपना। दोस्तों अपना जो होल पाड़ने का मल्चिंग होल पाड़ने का हो चुका है अभी, इधर देख सकते हो अभी हो चुका है, अभी छोटे छोटे पेड़ लगभग दो तीन चार पेड़ रहे हुए और अपना होल पाड़ने का पूरा हो चुका है। लगभग हमने डेढ़ घंटे में डेढ़ एकड़ के होल पाड़ दिए, डेढ़ से दो घंटे में डेढ़ एकड़ के होल पड़ गए, मुझे एक एकड़ में दो आदमी एक घंटे में होल पाड़ देते हैं, एक घंटा बस होगा, एक घंटे में ऊपर होल पाड़ना हो जाता है, एक एकड़ को दो इंसान होल पाड़ देंगे एक एकड़ में। तो दोस्तों मैं अभी आपने जो मल्चिंग दिखाई थी मैंने होल पाड़ने के हो चुके थे, अभी मैं दूसरे खेत में हूँ। अभी ये खेत को अपने को तरबूज का प्लांटेशन करना है, आपको लगभग वो ढाई एकड़ था और ये ढाई एकड़ का खेत है, तो अभी इसको भी प्लांटेशन करना वाले तरबूज का। तो अभी एक से पाँच जनवरी के भीतर इसका प्लांटेशन हो जाएगा। तो अभी ये देख सकते हैं अभी खेत को रोटावेटर चलाने का काम शुरू है, अभी रोटावेटर जोड़ के लाया मैं ट्रैक्टर को, अभी रोटावेटर चला रहा हूँ ये खेत है सारा, मैं खेत भी करता हूँ। तो गन्ने को टूटने को एक महीना हो चुका है, मुझे गन्ने हार्वेस्टिंग करने को एक महीना हो चुका है गन्ना, और ये देख सकते हो ढाई एकड़ का खेत है पूरा, और देख सकते हो ये ढाई एकड़ खेत है। तो इसको मैंने प्लाऊ चलाया, प्लाऊ चलाने के बाद 20 दिन उसको धूप में सुखाया था और उसको अभी रोटर चला रहा हूँ। गन्ने का खेत है देख सकते हो, ये पूरा गन्ना हार्वेस्टिंग होने को एक महीने के ऊपर हो गया है, ये 30-35 दिन हो चुके हैं गन्ना हार्वेस्टिंग करने को। ये देख सकते हो अभी रोटर चला रहा हूँ मैं, खेत में आ चुका हूँ, ये ढाई एकड़ का खेत है अभी। तो इसमें भी अपन वाटरमेलन का प्लांटेशन करने वाले हैं, तो मैंने वीडियो में दिखा था आपको नेक्स्ट, क्योंकि ऑर्डर देने गया था मैं नर्सरी में कि ये खेत का ऑर्डर था, वो मुझे नर्सरी में ऑर्डर देने गया था तरबूज का वाटरमेलन का, तो ये खेत का ऑर्डर देने गया था मैं, ये न्यू खेत है अपना। तो अभी यहाँ प्लांटेशन करने वाले ये खेत में, हम ये खेत में प्लांटेशन करने वाले हैं, ढाई एकड़ का खेत है पूरा, ढाई एकड़ प्लॉट को अभी रोटेटर मारने का हो चुका है और मैं अभी घर के पास आ चुका हूँ, ये अपने घर के पास खेत है। तो अभी एक एकड़ खेत है देख सकते हो, इसके अंदर ये गन्ने की प्लांटेशन करने वाले, गन्ने की बुआई करने वाले एक एकड़ खेत में। तो अभी न्यू वैरायटी लगाने वाले, तो कौन सी वैरायटी लगाएंगे मैं स्टूडियो में दिखाऊंगा आपको। तो अभी एक एकड़ खेत को अभी मैंने उस दिन ने स्टूडियो में दिखाया था, प्लाऊ चलाया था प्लाऊ से पूरा ये खेत, हमारे मराठी में इसको नांगरेट बोलते हैं। तो अभी इतना सारा प्लाऊ चलाने के बाद 10-15 दिन के बाद अभी रोटर चलाया मैंने, उसके बाद देख रोटर चला भी है, रोटर निकलते हैं रोटर चोरा करे जिसके जो मिट्टी थी मिट्टी को अच्छी नरम बनाई। तो अभी मैंने दिखाया था आपको कि अपना ढाई एकड़ का खेत था ना, वो तरबूज का न्यू प्लांटेशन करने वाले वहाँ, तो वो आपके 10-15 दिन के बाद वो भी प्लांटेशन होएगा। तो उसको भी रोटर चलाया मैंने और रोटर चलाने के बाद घर के पास आया, ये खेत में एक एकड़ बाद खेत में रोटर चलाया मैंने, अभी ये खेत पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं देख सकता हूँ मेरे ऊपर पूरी धूल बैठी हुई है, तो हाथ भी देख सकते कितने गंदे हो रखे। तो अभी आज का वीडियो आपको कैसा लगा और हम कल, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा और कल की वीडियो में आपको वाटरमेलन का प्लांटेशन का दिखाएंगे, कल प्लांटेशन कैसा होता है और प्लांटेशन के बाद उसको ड्रेजिंग कैसी होती है कल के वीडियो में दिखाएंगे आपको। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।